लास्ट ओवर है, मैच बफर जोन किड्स वाले जीत चुके हैं, लेकिन क्योंकि गेम्स के रूल हैं, आखिरी चैलेंज अगर आप चाहें तो करें, नहीं करना तो ना करें, क्योंकि नहीं कर सके तो आपके साथ कुछ ना कुछ तो हो गई। लेकिन अगर आपने कर लिया पूरा वो चैलेंज, ना सिर्फ 5,000 रुपये आपके पास आ जाएंगे, मैच भी जीत जाएंगे और अब तक जितनी भी बेइज्जती आपकी हुई है वो तमाम चीज़ें इनकी तरफ चली जाएंगी, सारी जिल्लत इनकी हो जाएगी। और अभी तक पूरे मैच में बफर जोन किड्स वाले आप पर हावी रहे हैं, चाहे वो बॉलिंग थी चाहे बैटिंग थी, सारा बदला उतारने का मौका अभी है, करना है चैलेंज या नहीं करना? मैं करूंगा 2,000 के लिए कम से कम। हमारा एक चैलेंज बाकी था तो उसमें हम जीत सकते थे, हमें बैट लगाते डबल की, तो हमने बैट लगाई डबल की और उसके बाद हम ये हुआ कि आपको 6 बॉलें करानी है और 6 रन बनने नहीं देने। अगर ये 6 रन बन गए तो ये टीम जीत जाएगी, पैसे सारे के सारे इनके पास चले जाएंगे, वरना अगर आप जीते तो आपके पास 2,000 रुपये आएंगे, इनके पास 1,000 रुपया जाएगा क्योंकि 1,000 का ये चैलेंज जीते हुए, लेकिन मैच आप जीत जाएंगे और नेक्स्ट लेवल पे आप जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सके तो आपको यहाँ पर 30 सेकेंड के लिए मुर्गा बनना पड़ेगा, वरना जो भी बैटिंग कर रहे हैं उनको मुर्गा बनना पड़ेगा। और जब मुझे आखिरी मौका मिला तो मैंने सोचा हुआ था कि जितनी बेइज्जती इन लड़कों ने हमारी टीम की और मेरी की है, मैं उसका बदला जरूर लूंगा और इनको 6 रन दो क्या, 1 रन नहीं बना दूंगा। अगर इन्होंने 4 रन बना लिए तो आप हार जाएंगे। जब मैं रन के लिए भाग रहा हूं, अवैध भाई भाग ही नहीं रहा है। मैं भाई मैं उससे बोल रहा हूँ तू भाग क्यों नहीं रहा, लेकिन उसके साथ भी टेंशन थी भाई, वो ये थी कि उसके जो गले के अंदर पूरा लंडा बैठा टंगा हुआ था ना, वो बड़ा भारी था, उसे भागा नहीं आ रहा था। आखिरी बॉल है, 4 रन बनाना जरूरी है, वरना आपके पास 1,000 तो आएंगे लेकिन विनर इस मैच के ब्लॉक भी हो जाएंगे जो हारे हुए थे ये मैच। बिल्कुल भाई अवैध भाई फुल मिसबा वाली हरकतें कर रहे हैं, बॉलर होके आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपस में फिक्सिंग हो गई है भाई, दायेदार तेरे दायेदार मेरे, लेके दोनों भाई घर निकलेंगे। मैच था बफर जोन किड्स का ब्लॉक बी 11 के साथ, ब्लॉक बी 11 ने बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दी है थ्रू आउट द मैच। पहले 3 ओवर जो आपकी इनिंग के थे उसमें इन्होंने आपको हरा दिया था और आपको भी यही लगा था कि आप लोग जीत गए। यही लगा था वकार भाई कि हम लोग जीत गए, हम लोगों ने टारगेट भी चेज किया और आपने जो टास्क दिया था वो भी पूरा किया, लेकिन बैड लक और आपने क्या नाम है उसका जो इनको टास्क दिया था वो भी बहुत ही हल्का था, बहुत हल्का था, बहुत हल्का था। आप शुरू से खेल रहे थे, आप सेट थे, आपको 1 ओवर में 6 रन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, आप खुद ही नहीं खेल पाए सही, आप पहले बॉल पर रन नहीं लिया, आपने आपने बोला मैं पहली बॉल से हिट पे जाऊंगा, पहले 6 मार के खत्म कर दूंगा, इसी वजह से आप क्या कह रहे हैं ये लोग रन चेस कर चुके थे तो ये लोग कॉन्फिडेंट थे कि हम 1 ओवर में 6 रन बना लेंगे, अगर इनको ऊपर की प्रॉब्लम होती तो ये उसी वक्त टास्क पे प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। हमें 1,000 रुपए के लिए दिया था कि 1 बॉल पे 2 रन और 1 बॉल पे फिर 4 रन, इनको आपने दिया 1 बॉल पे 4 रन का, तो वो हमारे लिए हार्ड था 1,000 रुपए में। तो फिर आपने पहले ओवर की बात करें, 1 ओवर में 2-6
इनको कोई ऐसा टास्क मिला है? इनको कोई ऐसा टास्क मिला? तो एक बात है, जब आप दो छह मार सकते हैं तो छह रन नहीं बना सकते। तो वकार भाई इंसान प्रेशर में आ जाता है ना, जब प्रेशर में आ जाता है। हर तरह के प्रेशर को जानते हैं, मैच का प्रेशर होता है। आपके ऊपर तो प्रेशर देता मुझे, जब हम लोग मैच जीत चुके थे। मैं टोटली बाउंड हो गया था, जिसने दो मैंने दो छह मारे मैं टोटली बाउंड हो गया, इसने दो छह मारे ये अनफॉर्चुनेटली बोल्ड हो गया। लेकिन सारी बातों में एक ही बात है कि द क्रिकेट चैलेंज के इस एपिसोड में जो टीम आगे जाएगी वो टीम है ब्लॉक बी 11 की। पूरे मैच में एक भी चैलेंज आप पूरा नहीं कर सके, लेकिन जब ज़रूरत थी तब आप लोगों ने चैलेंज को पूरा किया। 2000 रुपये आपकी टीम को मिलते हैं। मैच तो हार गए लेकिन पेनल्टी पूरी करना ज़रूरी है। आइए मुर्गा भरिए। और ये 1000 रुपये मिलता है बफर जोन किड्स की टीम को जो हार गई है, लेकिन फिर भी उनके एक चैलेंज पूरा करने की वजह से मिला।